नमस्कार, मैं हूं राहुल और भारत एक्सप्रेस के विशेष कार्यक्रम चुनाव आ गया है। ऐसे में आज हमारी मौजूदगी चंदौली के सकलडीहा में है। सकलडीहा चंदौली की बहुत हॉट सीट है और यहां से फिलहाल सपा के विधायक हैं। ऐसे में सकलडीहा में क्या हालात हैं और चंदौली में क्या सकलडीहा इफेक्ट डालेगा और सकलडीहा के मतदाता किस ओर जा रहे हैं, ये जानने के लिए हम सीधा यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ ढेर सारे लोग हैं, ये सकलडीहा के लोग हैं जो चंदौली लोकसभा क्षेत्र में मतदान करेंगे। यहीं कुछ दूर पे बीजेपी का कार्यालय भी है जहां से पूरा कार्यक्रम संचालित हो रहा है। हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार का माहौल क्या रहने वाला है। सर, क्या रहने वाला है इस बार का माहौल? आप अपने कैमरामैन को कहिए पीछे कैमरा घुमाकर दिखाएं, पीछे कैमरा घुमाकर देखियो माहौल, जिसके हाथ में देखियो मोदी जी को लेकर के ये समर्पण और भाव है, वो समर्पण और भाव है। अब इससे आपको माहौल की जानकारी हो जाएगी। जिधर देखेंगे सब भगवान में है। अब पूरा देश में 400 पार के लक्ष्य के लिए और सकलडीहा में भी भारतीय जनता पार्टी चंदौली लोकसभा में भी खिलने जा रहा है। चंदौली लोकसभा में कमल खिलने जा रहा है। मारे भाई जी ने बोला अभी 400 पार, 300 किलो आठ एक से आ गया, 6 साल हो गया, आज तक पता नहीं लगा। 400 किलो का कैसे पता हो गया? पता नहीं चला, अभी तक पता नहीं है कि इस हिंदुस्तान में 1000 किसान मर गए, 50 जवान मर गए, आज तक पता नहीं चला। आ इनको 400 का पता चल गया कि कैसे आ गया। अच्छा, क्या राष्ट्रीय मुद्दा चंदौली में भी हावी रहेगा? चंदौली का लोकल मुद्दा क्या है, किन मुद्दों? लोकल मुद्दे हजारों मुद्दे है, जवान है, नौजवान है, किसान है, व्यापारी सभी तरस्त है। क्या है स्थानीय मुद्दा चंदौली का? स्थानीय मुद्दा यहाँ कुछ भी नहीं है, विकास तो हो ही रहा है। जहाँ ओवर ब्रिज आप दो फ्लाईओवर देख ही रहे हैं। कहने का मेन सेंस है चाहे सपा जीते चाहे बीजेपी जीते, हम लोग को विकास की जरूरत है भाई। फ्लड लाइट लग जाना चाहिए, रोड की विकास होनी चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। अब महेंद्र पाड़े इसमें कितना सक्षम है ये तो दुनिया जानती है। और सबसे बड़ी यहाँ आम जनता को सहूलियत हो, नगर पंचायत हो, सकलडीहा में विकास की गंगा बह, यही है। और इससे ज्यादा कोई विकास का मुद्दा नहीं है जो दिखता है धरातल पे भी। अब सबसे बड़े आप लोग हैं टीवी रिपोर्ट। लड़ाई किसके बीच है? लड़ाई हम लोगों के पांडे जी के बीच है। लगातार तीसरी बार वो आए हैं और चुन के यहाँ से जाएंगे। विरोधी एकदम बिल्कुल खड़बड़ाए हुए, उनके अंदर जो है कुछ समझ में नहीं। पांडे जी के सामने कौन है, सपा या बसपा? नहीं, सपा है पांडे, हाँ सपा है। तो सपा है, क्या बता रहे थे आप, बताइए स्थानीय मुद्दा क्या है चंदौली के? स्थानीय मुद्दा माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी 5 साल से भारी उद्योग मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मिनिस्टर भारत सरकार के। आज तक आप शर्ट पहने उसमें बटन लगाने का एक फैक्ट्री लगा दिया महेंद्र पांडे, तो बता दें हमको कोई बड़ा सवाल है जी। मैं अपने भाई को एक जवाब देना चाहता हूँ। ये कल्पना किए होंगे कि घर से निकल के 480 करोड़ के रोड पर चल पाएंगे? ये कल्पना किए होंगे? अगर ये कल्पना किए होंगे कि मैं अपने घर से निकल के 480 करोड़ के 4 लेन रोड पर सीसी रोड पर मैं चल पाऊंगा, सोचे नहीं होंगे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, महेंद्र नाथ पांडे जी 2 बार से सांसद है, तीसरी बार भी जीतने जा रहे हैं, इसके पीछे के 2 कार्यकाल की मैं बात करना चाहता हूँ। जब समाजवादी पार्टी के सांसद थे, बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, समाजवादी के पार्टी के सांसद थे, चंदौली का अपने सकलडीहा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि रेलवे ओवर ब्रिज दोनों पर नहीं था। हम लोग घंटों इंतजार करते थे यही रुक करके। आई दोनों लोग फीता लेकर के चुनाव में आते थे, रेलवे क्रॉसिंग पे एक फीता इधर गिरता था, एक फीता इधर। हम लोग तो आंख खोल कर भी कभी नहीं देख पाए कि ये लोग बनवा पाए। दोनों बनता हुआ दिख रहा है, चश्मा हटा लें ये लोग, जाति से ऊपर उठ करके सब लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हो गए। क्या लग रहा है, चश्मा आ गया क्या, विकास दिख नहीं रहा? बता रहे इस चंदौली जनपद में 2 ओवरब्रिज बना है इस पार से उस पार जाने के लिए, लेकिन खाने के लिए क्या मिलेगा? पंडित कमला ओवरब्रिज जरूरी था। पंडित कमलापति त्रिपाठी 2600 नहर खुदवाया है चंदौली जनपद में, 2600 एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नहर इस चंदौली जनपद में। 10 साल पहले सांसद ने क्या क्या कार्य करा? 10 साल पहले तो यहाँ वाजपेयी की भी सरकार थी, वो भी निकम्मे निकले तब, इसका मतलब वो भी निकले। 10 साल पहले आपके सांसद थे? नहीं, 10 साल पहले थे, लेकिन करा उन्होंने। लेकिन आप अपनी बात बताइए ना, आप क्या किए हैं? आप भारी उद्योग मंत्री हैं, वो मिनिस्टर नहीं था। आप पार्टी के 5 साल का इनका काम एक बता दे, मैं मान जाऊंगा विधायक की। 1 साल एक काम पूछ रहे हैं आपके साथ, कोई काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी आपके सांसद जी का। एक काम बताइए, आप अपने सांसद का बताइए। हम बता दिए 480 करोड़, 2 ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, इंडियन ऑयल सेंटर, वो
इंडो इजराइल सेंटर। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमको जो जो आपके मंच पर भाषण देते हैं वो उनसे पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री अन्न योजना में उनको 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड इनके पास है कि नहीं, ये पूछ लीजिए। आधार कार्ड देख लीजिए, सब फर्जी। आधार कार्ड फर्जी, सब फर्जी है। अभी जाइए स्वास्थ्य केंद्र पर, वो कहेगा ये आपका शो नहीं कर रहा है, आपका एंट्री नहीं कर रहा है। सर क्यों सर? नहीं नहीं बिल्कुल ये गलत बात। पुराने सपाई रहे हैं, अभी भाजपाई है। और जी बिल्कुल, आज की तारीख में विश्व की सबसे बड़ी लाभकारी योजना है कि जिस व्यक्ति के पास 500 रुपए भी नहीं है वो 5 लाख तक का ऑपरेशन फ्री करवा ले रहा है। निश्चित तौर पे आयुष्मान कार्ड फर्जी योजना नहीं है, बिल्कुल उचित बात नहीं है। आज आप जनपद चंदौली या जनपद वाराणसी या पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी बड़े हॉस्पिटल या किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, 60-70% बेड जो है वो आयुष्मान भारत की योजना के तहत उनपे मरीज लेटे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्थानीय मुद्दा क्या है चंदौली का? जनपद चंदौली का विकास जिस तरीके से 10 साल में हुआ है, जैसे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हुआ या जिस सड़क पे आप खड़े हैं वो सड़क का जीर्णोद्धार, जिस तरीके से 4 लेन बन रही है, और भी बहुत सारी योजनाएं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यशस्वी प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी ने कहा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम। ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी महेंद्रनाथ पांडे जी नहीं करा पाए हैं, जो आगामी अगर मान लीजिए मौका मिलता है तो कराएंगे? अभी कौन सा ऐसा कार्य? नहीं, कार्य तो सही कर रहे हैं पांडे जी, हाँ वो तो कार्य कर ही रहे हैं महेंद्रनाथ पांडे, कार्य तो कर ही रहे हैं। हर काम कर रहे हैं, हमारे चानिया से लेकर सैदपुर तक 4 लेन का काम करना है, इतना बड़ा काम हो रहा है 450 करोड़। क्या स्थानीय मुद्दा रहने वाला है? हमको महेंद्र पांडे या नरेंद्र मोदी ये सब बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग के लिए। कोई चंदौली का स्थानीय मुद्दा क्या है? बहुत सारे मुद्दे हैं, हम लोग वीरेंद्र सिंह को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं भाई? उधर शिवपुर विधानसभा में बहुत विकास किए हैं, हाँ, और पांडे जी कोई विकास नहीं किए हैं। बता तो रहे 4-5 विकास के कार्य गिनाए, 2-4 तो किए लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किए हैं, यानी कद के हिसाब से काम नहीं हुआ। हाँ हाँ ठीक है। क्या लगता है सर, बताइए क्या क्या मुद्दा बता रहे हैं आप? तो एकदम सरासर ऐसा बता दे रहे हैं कि सीधा आधार कार्ड फर्जी है, सब कुछ फर्जी। धरती पे खड़ा हूँ ये 70 साल वालों की देन है, जिस गाड़ी से चलता हूँ 70 साल वालों की देन है, जो शर्ट पहना हूँ आप पहने 70 साल वालों का है। एक और शख्स है 70 साल वालों का, डंडा लेके चल रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं सावधान इंसान हूँ, गलत काम करने का इरादा नहीं करता हूँ, सावधान से रहने का कोशिश करता हूँ, सावधान से रहने। मोदी जी को साथ में लिए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? मोदी जी से मुझे बहुत प्रेम है, इसलिए दुनिया के हर इंसान का संस्कार के बारे में नरेंद्र मोदी जी को पता है, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी के तरफ रहता हूँ। देवे जैबा तू तो कहा दिमागे मेरे, हम ठीक है, काम का है ना, भला भैला है, ऐसा बात ना है। चला इस बार अगर महेंद्रनाथ पांडे जी चुनाव जीतते हैं तो कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो रह गए और आप लोग चाहते हैं कि वो पूरा हो? महेंद्रनाथ पांडे जी चुनाव जीतते नहीं, चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे, ये तो चंदौली की जनता ने नामांकन के दिन ही तय कर दिया था कि चुनाव जीत रहे। और चंदौली जिले के विकास के जो छूटे मुद्दे होंगे, जितने भी बहुत सारे काम हुए, आपको मैं बताना चाहूँगा 15,000 करोड़ से ऊपर का काम चंदौली जनपद में हुआ है, 15,000 करोड़ के ऊपर का काम। और जीता जाता अगर एक सांसद की सांसद निधि देख लेंगे तो 480 करोड़ आपके सामने रोड बनकर तैयार है। मैं सकलडीहा की इसलिए मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि आप सकलडीहा में खड़े हैं, और दो मुद्दों से सकलडीहा के व्यापारी जानते हैं कि दो मुद्दे सबसे बड़े थे सकलडीहा में, चंदौली ओवर ब्रिज, अम्बटकुट्टा ओवर ब्रिज। इससे निजात हमको भारतीय जनता पार्टी चंदौली बस यही है, दो जगह है, इन दो जगहों पर विकास हुआ आप मान? ये कोई विकास थोड़ी होता है, ये कोई विकास होते ना। अभी अभी सैदपुर का पुल बना है, किसकी सरकार बना है? बलमा का पुल बना किसकी सरकार? आपकी सरकार, मेरी सरकार। ये कोई मुद्दा थोड़ी हुआ। तो मुद्दा क्या है ये बताइए? ये रोटी कपड़ा मकान चाहिए, यह होना चाहिए था, नहीं हुआ। जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, यहाँ जीने के लिए रोटी चाहिए, रोटी को अनाज, पढ़ाई कौन दे रहा है? ये मेरे पैसे से है, मेरे पैसे से। तो सरकार दे, सरकार दे, इसके पहले मिलता था, इसके पहले मिलता था, आज सरकार दे रही तो मेरे पैसे से दे रही है। जो जो ये किसी का नहीं, अडानी का योजना है, ये प्रधानमंत्री की योजना नहीं है। जिला का दुर्भाग्य है कि जिले में 3-3 कैबिनेट मंत्री, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। गृह मंत्रालय से लेकर 3-3 कैबिनेट मंत्री, सारे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, जिला का दुर्भाग्य है, इसका दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है इस बार जब मतदान देने जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, तो किन किन मुद्दों पर मतदान करेंगे?
क्योंकि हम देख रहे हैं विकास हो रहा है, विकास के मुद्दे कह रहे थे विकास मदद कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग अग्निवीर का एक मुद्दा उठा रहे हैं, अग्निवीर मुद्दा उठाया जा रहा है युवाओं के द्वारा, क्या लगता है अग्निवीर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या अग्निवीर जो ये है वो सही है? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उसमें से जो 10% लोग जो निकलेंगे अच्छे होंगे उनको लेंगे, मत धीरे धीरे जैसे आपके अंदर अगर अनुशासन आ जाएगा तो आप कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में अनुशासन जीवन में होना चाहिए, अगर अनुशासन आपके अंदर रहेगा तो आप कहीं ना कहीं जीवन में जहां रहेंगे अपने अनुशासित भाव से कहीं सफल हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि मैं भी सरकारी, मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया हूं, मैं अगर टीवी रिपोर्टर नहीं बन पाया तो मैं क्या काम नहीं कर रहा हूं, मैं भी रोजगार कर रहा हूं, मैं भी व्यापार कर रहा हूं। जरूरी है कि मेरे पास जो डिग्री है मैं उसी फील्ड में नौकरी करूं। मैं खुद कहूं कि मैं बेरोजगार, मैं बेरोजगार नहीं, मैं कारोबारी हूं, कारोबार कर रहा हूं। बताइए क्या? देखिए अग्निवीर जो योजना निकाले हैं मोदी जी, उसमें एक गलती की है, जो कि शहीदी जो शहीद होते हैं उन जवान को शहीद से बाहर कर दिए हैं, शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। बस मोदी जी ने एक गलत किया है बस, और का दर्जा नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, कैंटीन की सुविधा नहीं मिल रही, हाँ ये गलत, मेडिकल की सुविधा नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी बढ़िया पार्टी है, ठीक है, हम उनके समर्थक हैं। देखिए बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना में सुधार होना चाहिए, न पेंशन न कैंटीन न स्वास्थ्य, कैसे चलेगा? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि अग्निवीर योजना में सुधार हो? देखिए सरकार सरकार रोज नए काम करे, रोज सरकार अच्छी काम कर रही है, अच्छी काम नहीं करती तो दो टर्म प्रधानमंत्री जी नहीं आते। लोगों का विश्वास उनके पर है, लोगों का उनके प्रति लगाव है प्रधानमंत्री जी पर। ये लोग सरकार बनाने के लिए लड़ नहीं रहे हैं, ये लोग बस 400 पार हम लोग न जाए उसके लिए लड़ रहे हैं। ये लोग पहले से ही हताश हो चुके हैं, ये लोग 400 पार हम लोग को जाने के लिए रोक रहे, हम लोग तो सरकार बना चुके हैं। चंदौली में कोई मुद्दा नहीं, हर काम हो रहा है, भाजपा राज में कोई समस्या नहीं है, जो जितना पढ़ा लिखा है उसके आधार पर वह काम कर रहा है। क्या लग रहा है? देखिए सब तो सही है, लेकिन अग्निवीर वाला जो कर रहा है वही दिक्कत है। चंदौली का लोकल मुद्दा यह भैया के भाई, तो हमारा मुद्दा एक कट के मान नहर न खाए, पांडे जी कई बेर रथुआ आए के कह के चल गए, नहीं पानी जा था नहरिये साफ ना कहीं ना, ऐसे ही 10 बीघा का 360 बीघा डूबत था, सलेमपुर डढ़ावल उकनी और जिंदासपुर पूरा पूरा नहरिया कई फेरा आए के कह के चल गए, लेकिन अब वही तक वो खनाइल ना देखा। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है और किसान उसी से अपनी जीविका चलाता है, एक एक करके उसी से जीविका चलाता है। क्या ये बड़ी समस्या नहीं है कि नहर की सफाई नहीं हो पा रही? नहीं, नहर की सफाई हो रही है, अब इनका कहाँ का मामला है हमको जानकारी नहीं है। मैं तुरंत इनके बात को इसलिए नहीं काट रहा हूँ कि मुझे जानकारी नहीं है, अब मैं तथ्य के हिसाब से आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। इसके पहले आप भुपौली करनाल पानी की क्षमता जानते थे? आप नारायणपुर करनाल पानी की क्षमता जानते हैं? दोनों की क्षमता भरपूर पानी तेल तक पहुंचे, इसके लिए डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी ने उस क्षमता को बढ़वाया है, आप इसकी जानकारी भी कर लीजिएगा। और किसी से भी पूछेगा पहले पानी जो नहीं पहुंचा, अब तेल अंत तक पानी पहुंच जा रहा है, तेल तक पानी पहुंचाने का काम भैया जो महेंद्र यादव के साथ, महेंद्रनाथ पांडे के जी के साथ जो डढ़ावल के बहुत से नेता है पंडित जी, हम उनके सम्मान करते हैं, लेकिन उनको आश्वासन कई बार दिया गया, हमारे विधायक जो लड़े तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है उन्होंने, काम किया है, वो पहले भी था, वो सपा में भी था, ऐसा बात नहीं है, रुके ऐसा बात नहीं है, स्थानीय विधायक की बात है ना। 2017 में जब चुनाव हुआ उससे पहले प्रभु नारायण यादव जो मतलब सकल्याण विधायक हैं, वो खनवाए थे उस नहर को जो सलेमपुर से डढ़ावल हो तो कनी हो गई है, वो दिंदासपुर से आई है रानीपुर हो, उसको वही खाए तो 2 साल बस धान हुआ, उसके बाद वो खनाए नहीं, और उसके बाद कई बार पांडे जी आए डढ़ावल में, डढ़ावल के बहुत सारे बीजेपी नेता भी हैं, लेकिन बस अपना नहर में पानी भी एक बड़ा मुद्दा, नहर की सफाई भी एक बड़ा मुद्दा, नहर का सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब 360 बीघा डूब जाए आपको मतलब मुद्दा रोक रहा है, 360 बीघा 7 साल से डूब रहा है, इसका गवाह है। चलिए पहले जब खनवाए थे, जब कह रहे 2 साल पहले खनवाए थे तो कैसे डूब गया? प्रभु नारायण यादव जी जब खनवाए थे ना तो साफ सफाई कर, तब उसमें धान हो रहा था, कैसे 7 साल से डूब जा रहा है? उसके बाद सफाई नहीं हुई ना आपके, मतलब पनिया आ रहा है, पनिया उधर से आ रहा है, लेकिन नहीं जा रहा। अरे बतिया सुनिए बतिया सुना, ऐसा है आ रहा है, अब रानीपुर से जो वहाँ से करनाल टूटता है पूरा 360 बीघा का एक नहर निकल, युवाओं का क्या मुद्दा है? हाँ बतावा, वीरेंद्र सिंह ने चुनाव जीतेंगे दिख रही है जीती, हाँ काम मुद्दा हो, काम ये नौकरी नहीं मिला, रुक क्या वीरेंद्र जाएंगे नौकरी देंगे क्या नहीं देंगे चुनाव? हाँ बताइए, ये बताइए इस पूरे जनपद में, अब पूरे ऑल इंडिया में सहारा का पैसा जो जमा किए है ये जनता जमा की है,
आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है कि इस गरीब आदमी का पैसा जमा सारा में कोई दिलवा दे, और दिलवाएगा तो इंडिया गठबंधन दिलवाएगा। एक महीना के अंदर पूरे सारा का पैसा इस पूरे जनता को दिलवाएगा। गठबंधन ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है क्या? क्या है ऐसा अनाउंसमेंट किया है? कहा किस मैनिफेस्टो में किया है? किस मैनिफेस्टो में किया है? मैनिफेस्टो हमारे यहाँ मैनिफेस्टो घोषणा पत्र नहीं होता है। यहाँ घोषणा पत्र अग्निवीर के जैसा मेरे यहाँ नहीं होता है, यहाँ हकीकत होता है। मेरा घोषणा पत्र आपके यहाँ से दे दिया गया है कि 5 किलो वाला राशन 10 किलो कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा, यही घोषणा पत्र में नहीं लिखा है 10 किलो। लेकिन घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा है कि सहारा का पैसा दे दिया जाए। जो कहती है वो करती है, करके दिखाती है। ये पूरे जनपद में 70 साल वालों का देन है कि सहारा का पैसा 24 घंटा में दिया जाएगा, इसी सहारा बैंक से गरीब जनता का। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, महेंद्र नाथ पांडे को जनता क्यों चुने? चंदौली के विकास के लिए, देश के विकास के लिए। भारत जीडीपी में आज 5वें नंबर पर पहुंच गया है, और चंदौली का जो विकास हो रहा है, विकास की गति में और रफ्तार बढ़े, इसलिए चंदौली की जनता चुन रही है। चुने नहीं, चुन रही है। ठीक है, बताइए। इस देश का जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री में, देश का विनाश हो गया है। इनके सरकार में जितने भ्रष्टाचारी इनके सरकार में है, अभी 25 तारीख के पहले चुना हुआ था चौथा चरण का कर्नाटक का। मंत्री प्रजापति कौन है? वो खनन मंत्री था, सपा का जेल में है। लेकिन प्रज्वल रमन्ना कौन है? बिजभूषण सिंह कौन है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? ये हमको बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है, अभी मात्र 10 दिन हुआ है। बताइए, पूछ के बता, पूछा इनसे तो आप बतावा ना बता। जो है कर्नाटक के मिनिस्टर का बेटा है, एचडी देवगौड़ा का पोता है, वो क्या है? आप बात कर दिए 20 साल पहले की, लेकिन मैं चार दिन की बात कर रहा हूँ। रमन्ना भी एक मुद्दा बढ़िया बनेगा, मुद्दा इस पूरे देश में। 4 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब महेंद्र नाथ पांडे को 50,000 रात को प्रचार करते हैं, दिन में नहीं दिखते हैं, रात को प्रचार करते हैं, रात में चढ़ावल जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये कहीं लिखा है क्या कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, वो क्या ऑफिस का समय होता है क्या कि 10 से 6 तक हम कार्यकर्ताओं के लिए काम करें, 6 बजे के बाद हम जनता के बीच में न जाएं? सोच है मंत्री जी 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक हर कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम करते हैं, हर जगह पहुंचने का काम। और एक चीज, मैं एक छोटी बात कहकर मैं अपनी बात को भी खत्म करूंगा, ये चुनावी मंच नहीं है। आप सकलडीहा के, अगर सकलडीहा के रहने वाले हैं, आप सकलडीहा के व्यापारी समाजवादी पार्टी के नेता, हमको पता है। लेकिन आपको मैं एक जानकारी दूं कि सकलडीहा के पूरे व्यापारी का सम्मेलन संत सेठ के दुकान में हुआ था, आपको जाना, उसमें आपके घर में कैसे हो गया? आप क्या बोले? अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, मिनिस्टर हैं चंदौली जनपद में 2 कैबिनेट। व्यापारियों की बिरादरी कौन सी है हमको ही बता दे, हम अभी मान जाएंगे। व्यापारियों की बिरादरी कोई होती है तो बताइए, खुद में तब व्यापार करेगा, जो व्यापार कर रहा वो बिरादर है? अब व्यापारियों की कोई बिरादरी नहीं होती है। अब एक इसीलिए तो मोदी जी ने जाति व्यवस्था को ही खत्म किया। इस बार चंदौली का मुद्दा क्या रहने वाला है? चंदौली का मुद्दा का पूरा देश का मुद्दा है कि जो विकास हुआ है उस पर काम होगा। लोग चिल्लाते माता की जय, और ठीक है कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। सुनिए सुनिए भैया, ये लोग कहते संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अरे जब देश रहेगा तब ना संविधान रहेगा। यहाँ तो देश है उड़ाने के चक्कर में पड़े हैं। कहाँ देश उड़ा? कहे 8 प्रांत में है हिंदू, एक को बचा? कहाँ नहीं हिंदू बचा? किस प्रांत में हिंदू नहीं बचा? हम लोगों की बात अगर, किस प्रांत में हिंदू नहीं बचा पहले बताइए? 8 प्रांत, किस प्रांत में हिंदू नहीं बचा? केरल में जाइए, हर जगह हिंदू, ऐसा कोई प्रांत नहीं जाए। नहीं नहीं है, हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ हिंदू नहीं है। तो भ्रामक खबरें मत बताइए। अभी अभी बंगाल आते नहीं जाइए, भ्रामक बातें जी बताइए क्या कह रहे हैं? अभी गुरुजी ने कहा है कि संबित पात्रा पूरी का पूर्व सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं, चंदौली लेवल की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय नेता लग रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चंदौली का चुनाव है। चंदौली लोकसभा की बात कर रहे हैं ना, अभी अभी गुरुजी ने बोला है कि संबित पात्रा ने कहा कि भगवान जगन्नाथ से भी ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि पूजा जगन्नाथ जी करते हैं नरेंद्र मोदी की। अभी जगन्नाथ में बोले हैं ये असल में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के लोग बोलने लगते हैं ना, उससे ऊपर निकलेंगे तभी होगा। देखे अब मीडिया को भी बेच दिए,
अब मीडियो के बेच दिए, अब आपको कहेंगे आप नहीं बिके, लेकिन दूसरा मीडिया बिक गई रहती तो आपको अरे तो आप यूट्यूबर है लेकिन सच्ची मीडिया नहीं दिखाते, हम नेशनल चैनल से हैं। अरे राष्ट्रीय चैनल आप लोग बस मोदी इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से वो कह रहे हैं मैं विश्व गुरु बन रहा हूँ। जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा के खड़ी है वो प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन रहा है। जिस देश में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, उस देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु बन अपने मन से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बातचीत के लिए चंदौली के लोग थे और अभी मेरी मौजूदगी सकलडीहा में थी जहाँ विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई और यहाँ के युवाओं ने बताया कि देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ का विकास कार्य हुआ है वो होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर विचार करना चाहिए, चाहे वो नहर के पानी का मामला हो या फिर रोजगार का। इन मुद्दों पर भी सरकार को सोचना चाहिए और तमाम जगहों पर सिर्फ वही मुद्दा है रोजगार और व्यवसाय। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, चंदौली।